मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा का पुतला दहन जिला समरणालय के गेट पे किया गया है। दिनांक 27/2/2023 से ही जिला समरणालय के गेट पे जो भूमाफियाओं के द्वारा जिसे घर से उजार दिया गया राजा महतो यही समरणालय के गेट पे अपने परिजन के साथ पिछले 15 दिनों से धरना पे बैठा हुआ है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के माध्यम से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। आज राजा महतो हम लोग को जानकारी हुआ पार्टी के माध्यम से, राजा महतो ने सूचना दिया कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो 13 तारीख को हम जिला समरणालय पे आत्मदाह करेंगे। राजा महतो के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर ग्रामीण मंडल पूर्वी के बैनर तले आज मुफस्सिल थाना अध्यक्ष का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ आश्वासन भी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है क्या? देखिए, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज यह कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम है। आने वाले समय में अगर राजा महतो या राजा महतो जैसे और भी जो लोग हैं अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। कृष्ण बालक, भाजपा मंडल अध्यक्ष। सर, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया है और आप पर और मुफस्सिल थाना पर आरोप लगाया गया है, क्या मामला है सर? इसमें राजा महतो नाम के शख्स का द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 2020 में हुए एक कांड में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुआ था और चार्जशीट होने के बाद कोर्ट से अभियुक्त बेल पर है। दूसरा, पर्चा की भूमि पर हटाए जाने की जहां बात है तो इस मामले में टाइटल सूट नंबर 119/2017 माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसके निष्पादन के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित है। ये बात समझने को तैयार नहीं है राजा महतो जी, और न्यायालय के में लंबित मामलों के विरुद्ध तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि न्यायालय में लंबित मामले का निष्पादन होने के बाद ही न्यायालय के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद।